चलिए आ गया पार्ट टू, और इसमें हम सारे आउटलाइंस को बिल्कुल क्लियर कर देंगे ताकि आपको साफ साफ गोकू दिखे। उसके लिए मैं इस्तेमाल किया है स्टेडलर का 2B पेंसिल। तो हम करने वाले ये हैं कि बैकग्राउंड को क्रेयॉन से और गोकू को शेड करने वाले हैं। कलर करना हो, शेड करना हो, चाहे वो क्रेयॉन से हो, पेंट से हो, किसी से भी हो, याद रखिएगा हमेशा उसे लेयर में करें, तभी वो इफेक्टिव होगा, सुंदर लगेगा। और हमेशा की तरह उस कलर के 2 या 3 तरह के टोन लगाएं और आसानी होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया, एक बार डार्क ब्लू और एक बार लाइट ब्लू। और अब शेडिंग के लिए स्केच लाइन का 2B पेंसिल, हल्का हाईलाइट छोड़ते हुए उसे शेड करना है, एक बार हॉरिजॉन्टल, एक बार वर्टिकल। इससे शेड इफेक्टिव लगेगा, सुंदर लगेगा, अच्छा लगेगा। बस सीधा सीधा यही बोलना चाहता हूँ, अच्छा लगना है पेंटिंग को। अब जानते हैं सुपर साइन कितना लाइट छोड़ता है, इसलिए ज़रूरी है कि हल्का हाईलाइट भी छोड़ें, नहीं तो पेंटिंग फिर डल लगने लगती है, हॉरिबल। लेकिन अब सुंदर लगेगा। और अब मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वुडलेस ग्राफाइट HB का, क्योंकि इससे हम इस शेडिंग में भी बिल्कुल सेम टू सेम लेयर लगाना है ताकि और सुंदर लगे। अब देखिए थोड़ा पास ले चलता हूँ, क्यों मैं ये हर कोई कहता है कि उसको एक बार शेडिंग, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे जितना मैंने शेड किया था उससे ब्रश से जैसे ही मारा स्मूथ प्लेन हो गया। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वही हुआ। और अब बालों में हाईलाइट और भी अच्छा डालने के लिए उसमें अब डार्क कलर करेंगे 6B साची आता स्केच लाइन पेंसिल से। बालों के खासकर कुछ खास हिस्सों में, जैसे कि 2 बालों के बीच में खासकर हाईलाइट डाला जाता है, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अब फिर वही सेम चीज़, हमें उसे प्लेन करना है ताकि वो स्मूथ दिखे, अच्छा दिखे, बस अच्छा लगना है। और अब फेस पर सबसे पहले HB पेंसिल से हल्की हाईलाइट, बहुत ही हल्की हाईलाइट। याद रखिएगा फेस है तुरंत बिगड़ जाएगा अगर हाईलाइट अगर गड़बड़ हुआ तो। उसको फिर और फेस में तो और ज़्यादा ये करना चाहिए कि पहले लाइट, फिर उससे हल्का डार्क, फिर उससे हल्का डार्क, और हर बार जब भी आप एक लेयर चढ़ाते जा रहे हैं उस पर एक बार प्रिंट मेकअप ब्रश या पेंट ब्रश, जो भी ब्रश है उस पर ज़रूर चढ़ाना है। अब जितने भी गैप्स वाले एरिया, जैसे कि नाक, सॉरी गले के नीचे, नाक के बगल में, मुंह के नीचे, छातियों के बीच में, एक बार हम लोगों ने शेड कर दिया कलर और पेंसिल। और अब जितने भी कपड़ों के एरिया, उसको तो बिल्कुल ही डार्क करना है। एक बार लेयर चढ़ाई, थोड़ा सा शेड छोड़ा ताकि हाईलाइट दिख सके, और एक बार लाइट पेंसिल चढ़ा दी और उसे भी फिर एक बार शेड कर दिया पेंसिल, सॉरी पेंट ब्रश से। सेम बाहर का कपड़ा, जैसे कि आप जानते हैं ऑरेंज है, तो ज़्यादा हमने उसे डार्क नहीं किया, पर 4B पेंसिल से उसको हाईलाइट कर दिया। तो यही था मेरा आर्ट, होप आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।